यह है वैशाली जिले का बिदुपुर क्षेत्र। यहाँ भी लॉकडाउन सिस्टम लागू है, लेकिन बिदुपुर थाने की धमक ऐसी कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचे। कहते हैं शहर को सिखाए कोतवाल। आम और खास सभी लोगों के लिए पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनाने में यहाँ पदस्थापित पुलिस अधिकारी की भूमिका सराहनीय रही है। यही वजह है कि पुलिस ने बिदुपुर में केवल 1 बार फ्लैग मार्च किया और संदेश दूर दूर तक गया। सबसे पहले निर्धारित लॉकडाउन का अनुपालन, उसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को भी स्थानीय लोग मान रहे हैं। आप भी देखें, थाना चुस्त है तो सिस्टम भी दुरुस्त है। हमारे साथ है बिदुपुर पुलिस के एसआई संजय कुमार। सर, सरकार की तरफ से कोई नया गाइडलाइन आया है क्या? आज का फ्लैग मार्च निकालने का क्या आपका उद्देश्य रहा? सरकार की तरफ से तो गाइडलाइन हमेशा जो देश विदेश में आ रही है, और आज फ्लैग मार्च निकालने का जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि जागरूकता को फैलाना है। और अभी वर्तमान स्थिति में जो है इतना तेजी से जो है फ्लैग बढ़ रहा है कोविड-19 का जो केस, जिसके कारण से जो हम लोग है जो इसको सख्ती से पालन कराने के लिए जो है ये इतना जो है हम लोग फ्लैग मार्च। जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए निर्धारित समय में बाजार में चहल पहल बढ़ती है, लेकिन करीने से। पटना आने जाने के लिए मुख्य मार्ग के रूप में बिदुपुर सड़क पर चेकिंग अभियान चलाए जाने के कारण लोग नियमों के पालन में सहयोग करते देखे गए। बिदुपुर पुलिस का मानना है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए पुरस्कार की खुशी के साथ दंड का भय होना जरूरी है। आज वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड में बिदुपुर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया और पुलिस द्वारा सख्ती से भी जनता पे कार्रवाई की गई। राणा रंजीत, SDF न्यूज, बिदुपुर, वैशाली।